मैं हूं रामगोपाल धनगर और आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर आज के मुख्य समाचार मेरे साथ। आइए चलिए मेरे साथ डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री चेंथिल बालाजी को झटका देते हुए बालाजी और उनकी पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी को वैध माना है और ईडी को मंत्री से हिरासत में पूछताछ की मंजूरी दे दी है। बता दें कि चेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मद्रास हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में ईडी द्वारा चेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की सांसदी दोबारा से बहाल कर दी है। उन्हें मोदी सरनेम मामले में मार्च 2023 में दोषी ठहराया गया था। 2 साल की सजा होने की वजह से संसद ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। हालांकि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने का फैसला दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से फौरन राहत मिल गई है। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी थी। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। ऐसे में केंद्रीय बलों की 10 और कंपनियां राज्य में पहुंच गई हैं। वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली में आज एक प्रमुख आदिवासी संगठन के सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद झड़पें शुरू हुई थी। राज्य में तब से अब तक कम से कम 160 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते टीए में इस बार 3% वृद्धि कर सकती है। इससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता टीए और महंगाई राहत डीआर 45% हो जाएगा। अभी यह 42% है। डीए वृद्धि 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी। डीए गणना ताजा औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आईडब्ल्यू से होती है। श्रम मंत्रालय का श्रम ब्यूरो इसे जारी करता है। भारतीय रेलवे मैन फेडरेशन के महासचिव शिवा गोपाल मिश्रा ने बताया कि जून के लिए 31 जुलाई को सीपीआई आईडब्ल्यू जारी हुआ था। इसके बाद फेडरेशन ने डीए में 4% वृद्धि की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट बिहार में जातिगत जनगणना की वैधता को बरकरार रखने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। राज्य सरकार ने पिछले साल इसका आदेश दिया था और इस साल यह जनगणना शुरू हुई है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई बौद्ध सूची के अनुसार गैर सरकारी संगठन एक सोच एक प्रयास की ओर से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ सुनवाई करेगी। यूपी विधानमंडल का सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्ता पक्ष ने अलग अलग मुद्दों पर जवाब देने की तो विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। सपा ने पहले ही तय कर लिया था कि पार्टी महंगाई और मणिपुर हिंसा के मामले को उठाएगी। सपा के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा टमाटर की माला पहनकर साइकिल से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने टमाटर के लगातार बढ़ते दामों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इससे आम लोगों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। इस समय खुदरा बाजार में टमाटर के दाम 200 से प्रति किलो से भी ज्यादा हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की उत्तराखंड यात्रा को लेकर नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। आने वाले दिनों में उत्तराखंड के कई ज्वलंत मुद्दों पर होने वाली यात्रा का अभी रूट तय नहीं किया गया है। राहुल की भारत छोड़ो यात्रा से उत्साहित प्रदेश कांग्रेस को उत्तराखंड में होने वाली स्वाभिमान न्याय यात्रा से संजीवनी मिलने की उम्मीद है। यात्रा की तैयारियों के संबंध में सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस मुख्यालय में बुलाई गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सोमवार को होने वाली बैठक में राहुल गांधी की उत्तराखंड यात्रा पर चर्चा की जाएगी। भ्रष्टाचार तथा अन्य आरोपों में घिरी पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब उन्हें नोटिस जारी कर संपत्ति का ब्यौरा तलब किया गया है। उनकी प्रॉपर्टी, वाहन और खातों की जानकारी कमेटी द्वारा मांगी गई है। सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य की भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद गठित जांच कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। अब ज्योति मौर्य को नोटिस जारी कर संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। बताया जा रहा है कि कमिश्नर कार्यालय में वीडियो कैमरे की निगरानी में एसडीएम ज्योति मौर्य का बयान दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदस्यों से प्रदेश में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर चर्चा का आह्वान किया है। वहीं मुख्य विपक्षी दल सपा ने मणिपुर की घटना पर निंदा प्रस्ताव लाने की रणनीति तैयार की है। इससे सदन में हंगामे की पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। विधानमंडल के मानसून सत्र में पहले दिन प्रश्नकाल के बाद करीब 13 विधेयक सदन के पटल पर रखने की तैयारी है। इसमें विधानसभा की नई नियमावली भी पेश की जाएंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने मणिपुर की घटना सहित प्रदेश से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के भारतीय वस्त्र और शिल्प कोष का ई पोर्टल लॉन्च करेंगे। वे 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में भाग लेंगे। इसमें हथकरघा खादी बुनकर कारीगर भी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि यह वोकल फॉर लोकल की भावना के तहत स्थानीय वस्त्रों और हथकरघा को लोकप्रिय बनाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर है। एमओ के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एक ई पोर्टल की शुरुआत भी करेंगे। वस्त्र और शिल्प से जुड़ी इस पोर्टल को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT ने तैयार किया।